आपका आज सिंपल पास्ट का मैंने आपको प्रेजेंट टेंस का दिखाया था ना, एक शीट दिया था वैसे सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट हम कहाँ यूज करते हैं और फिर हम एक मिक्स एक्सरसाइज 50 सेंटेंसेस का आज देख लेते हैं। कल पूरा नहीं हुआ था, ओ मैं शीट्स घर छोड़ा है। तुम्हारे पास शीट्स है क्या? तो तुम किसके साथ फॉलो करो? इसके बाद एक्सरसाइज की सारी खत्म हो गया, ये हो गया। चलो इसको हम ये करते हैं। चलो प्रेजेंट टेंस शुरू से देखो। दिस सूप टेस्ट्स नाइस, तुम्हें समझ में आ गया कि परसेप्शन वर्ब्स जो है उनको किस सेंस में हम आईएनजी लगाते हैं और किस सेंस में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आई स्मेल समथिंग बर्निंग, ये हमने किया था ना। आई स्मेल समथिंग, आई हियर अ साउंड समवेयर, इसको हम आईएनजी में नहीं कहते। दिस सूप टेस्ट्स नाइस, प्लीज वॉच द वीडियोस। तो ये आपका प्रेजेंट टाइम है, एक्चुअल मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। इस वक्त जब मैं सूप को ले रही हूं तो इट टेस्ट्स गुड। कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर यू। अब इसमें एक एक्चुअल मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, एक में तो सूप टेस्ट्स नाइस और दूसरे में कह रहे हैं आई एम वेटिंग कंटिन्यूअस। फर्क समझ में आ रहा है? इसी पल दो काम हो रहे हैं। मैं खाना खा रही हूं, आई एम ईटिंग फूड, द फूड टेस्ट्स गुड। आई एम ईटिंग फूड, आई एम हैविंग लंच, यस आई एम हैविंग लंच, द फूड टेस्ट्स गुड। क्योंकि वो परसेप्शन वर्ब्स हैं वो फाइव, इसलिए भले वो इस मोमेंट की बात कर रहे हैं हम उनको तो फर्स्ट फॉर्म में ले रहे हैं, और अदरवाइज आई एम हैविंग लंच, आई एम ईटिंग लंच, वो सब एम वैम चल रहा है। ये समझ में आ गया? तो कम ऑन, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। आई एम वेटिंग फॉर यू। इस पर आई वर्क इन अ बिग ऑफिस, आई वर्क इन अ बिग ऑफिस, प्रेजेंट टाइम, टाइम अराउंड द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, टाइम अराउंड द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। क्या है टाइम अराउंड द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग? मतलब इन दिनों मैं एक बहुत बड़े ऑफिस में काम कर रहा हूं। ही इज गेटिंग ओल्ड, ये हमने कल देखा था परसेप्शन वर्ब्स में इनकोएटिव वर्ब्स, इनकोएटिव वर्ब्स। परसेप्शन वर्ब्स तो वो फाइव हमारे सेंसेस वाले थे, और फिर हमने क्या देखा था, इनकोएटिव वर्ब्स जिसमें हमने देखा ग्रो, टर्न, बिकम, गेट, है ना। ही इज गेटिंग ओल्ड, ही इज ग्रोइंग ओल्ड, ही इज टर्निंग ओल्ड, ही इज बिकमिंग ओल्ड। इट इज टर्निंग कोल्ड, इट इज गेटिंग ओल्ड, इट इज बिकमिंग कोल्ड, इट इज चौथा ग्रोइंग ओल्ड, ग्रोइंग कोल्ड, इनकोएटिव वर्ब्स, ओके। वॉटर फ्रीजेस एट जीरो डिग्रीज सेल्सियस, ये आपका कंडीशनल टाइप वन है ना। वॉटर डिग्री, वॉटर फ्रीजेस एट जीरो डिग्री सेल्सियस, जो चीज हमेशा के लिए सत्य है। जनरल टाइम ऑलवेज ट्रू, द सन राइजेस इन द ईस्ट, मैन इज मॉर्टल, ये सब आपका सिंपल प्रेजेंट। अर्थ मूव्स राउंड द सन, वी लीव फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक, वी आर लीविंग फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक, दोनों ही चल सकते हैं। वी लीव फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते हम दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। द बस लीव्स एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, स्कूल रीओपन्स ऑन 1st July। कल मैंने कुछ आपको लिखाए थे ना, स्कूल, बस, ट्रेन, प्लेन।
ही इज लीविंग कोटा टुमारो, टाइम अपना फ्यूचर है और टेंस अपना प्रेजेंट है, फ्यूचर टाइम है बेस्ड ऑन अ प्रेजेंट अरेंजमेंट या फैक्ट, अ डिसीजन और प्लान ऑलरेडी मेड, एक ऐसी योजना जो ऑलरेडी बनाई जा चुकी है. शी हैज चेंज्ड अ लॉट, यहां पर ने किया था, यही लिख लो तो ग्रो टर्न बिकम गेट. शी हैज चेंज्ड को शी हैज ग्रोन, नो यू कांट डू शी हैज ग्रोन, शी हैज चेंज्ड अ लॉट, शी हैज बिकम डिफरेंट, मतलब ये जो चेंज वर्ब से रिलेटेड अन्य वर्ब्स हैं इस सेंटेंस में, तो तुम ग्रो टर्म बिकम नहीं लगा पाओगे, इस वाले सेंटेंस में ग्रो टर्म बिकम नहीं लगाओगे, बट वो चेंज पहले कैसी थी अब कैसे हो गई, तुमने तवे पे रोटी डाला, डाला जब कैसा था, जब सिक्के तुमने निकाला कैसा हो गया, ग्रेजुअल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो परिवर्तन आता है उसको हम इनकोएटिव वर्ब्स कहते हैं, ग्रो टर्म बिकम गेट. बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं, तुम ये चार याद रखो. आई हैव बीन वर्किंग हार्ड, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड का मतलब काफी समय से मैं मेहनत करता आया हूं, कंटिन्यूइंग टिल नाउ एंड लाइकली टू कंटिन्यू इन टू द फ्यूचर. अब जैसे द स्कूल बस लीव्स, जैसे द स्कूल रीओपन्स, वैसे हर डॉटर फिनिशेस स्कूल, हर डॉटर बिगिंस स्कूल, 3 साल की उम्र में स्कूल शुरू, 16 साल की उम्र में स्कूल फिनिशेस, शी फिनिशेस स्कूल अगले साल, वो पहले से तय है कि अगले साल वो स्कूल फिनिश कर लेगी. भविष्य की बात कर रहे हैं, टेंस प्रेजेंट यूज कर रहे हैं, शी फिनिशेस स्कूल दिस ईयर. हाँ नहीं, बिल्कुल है, अपन सिर्फ ये देख रहे हैं कि इस आई हैव बीन वर्किंग हार्ड का टाइम एंड टेंस रेफरेंस क्या है. आई हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस या फॉर मेनी इयर्स नाउ, सिंस 2000 whatever, वो तो है, उसी पर बेस्ड हमारे एक्सरसाइजेस है. पर यहां हम देख रहे हैं कि हम कह तो रहे हैं प्रेजेंट टेंस, क्या क्या इसके कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं. इस साइड में जो लिख के दिया है ना, ये है, आएगा वो तो फोर या सिक्स वा नहीं है. कोटा हैज चेंज्ड इन द लास्ट फ्यू इयर्स, पिछले कुछ सालों में कोटा काफी बदल गया है, पिछले कुछ सालों में कोटा काफी बदल गया है. जैसे वो लड़की शी हैज चेंज्ड अ लॉट, वैसे कोटा हैज चेंज्ड अ लॉट. शी इज अराइविंग हियर टुमारो, टुमारो की बात की जा रही है ना, और टेंस यूज कर रहे हैं इज अराइविंग. शी पहले अपन कहते थे शी विल अराइव, अब वो सब गया है ना, अब इसी तरह से बोलते हैं. अब ये क्वेश्चन देखो, व्हाई इज ही बिहेविंग लाइक दैट, इस पल कोई कुछ ऐसा कर रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप कहते हैं ऐसा क्यों कर रहा है, और दूसरा ये ऐसा क्यों करता है, पिछली बार भी इसने ऐसा किया, उससे पहली बार भी ऐसा किया और अब भी ऐसा कर रहा है. Why does he behave like that? Why does he behave? तुमको सेंटेंस देख के समझ में आ जाएगा कि अभी किसी पर्टिकुलर रेफरेंस में है या हैबिट में है. अभी अपन सेंटेंसेस देखेंगे जिसमें आ जाएगा. आज ही नहीं, हम आगे भी टेंसेस के एक्सरसाइजेस करते रहेंगे, कहीं ना कहीं ये चीजें आ जाएंगी. बस ये रूल्स याद रखो. Why is he behaving like that? ऐसा क्यों कह रहा है ये? ऐसा क्यों कह रहा है? ऐसा क्यों कर रहा है? अबे, ऐसा क्यों करता है? या हमेशा ऐसा क्यों कहता है?
कोई भी काम बताओ कहता है मैं बिजी हूँ, ऐसा क्यों कहता है? काम दाम तो कुछ है नहीं इसके। Why does he always say that? Why does he always say that? Why does he always behave so rudely? Always से अपने को समझ में आया। Why does he always behave so rudely? पीछे देखो। अब ये so far, अभी तक देखो, हमने जब वो हैज हैव हैड किया था ना काफी डिटेल में, तब मैंने आपको बताया था अभी तक का रेफरेंस आए तो आपको परफेक्ट टेंस लेना है, और उसमें तब ये बात थी कि आज का दे, द डे हैज बीन गुड सो फार, टुडे हैज बीन, नॉट टुडे वाज अ गुड डे, टुडे वाज अ गुड डे, सो फार आ गया ना अभी तक, अब आगे जो होगा होगा, अभी तक, so far, today has been a good day, the day has been fun, so far, अभी तक तो दिन मजेदार ही रहा है, the film has been interesting, so far, the film, so far आ गया ना, perfect tense लगाना, अभी 17 देखो, उसने कई किताबें लिखी हैं, उनमें से कुछ को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया है, she has written several books, some of which have been translated into English, आज मैं शाम को टेंसेस शुरू कराऊंगी वहां, है ना, उनको भी दो दिन लगेंगे इसमें हो जाएगा, जिनको की रिपीट कराना हो शाम को आ जाना, the company has opened an office at Kota, अगर ये होता लास्ट ईयर लास्ट ईयर तो द कंपनी ओपेंड, आई मिस यू, इट डैश अ वीक एंड आई फील लोनली विदाउट यू, अभी तो एक हफ्ता ही निकला है, इट हैज ओनली बीन अ वीक, इसका एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेशन देखो इस सेंटेंस का, तुम बाकी सारे कर जो कर लोगे ऐसे वाले में फंसोगे, आई मिस यू 19, अभी एक हफ्ता ही तो हुआ है, अभी ये जो है ना मैंने जो अंडरलाइन किया, इट हैज ओनली बीन अ वीक, ये लिखो सेंटेंस नंबर 19 और लिखो इट हैज ओनली बीन अ वीक इज इक्वल टू, मीनिंग क्या है, अभी एक हफ्ता ही हुआ है, पापा मम्मी से कहते हैं अभी 10 दिन ही हुए इसको पॉकेट मनी दिए हुए, कह रहा पैसे खत्म हो गए पेट्रोल के पैसे दे दो, It has only been 10 days. है ना? अभी 2 महीने तो हुए इसको नए कपड़े दिला के, अभी से छोटे हो गए। It has only been, समझ में आ रहा है सेंस ही किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है? You should know this. It has only been plus time. मतलब अभी इतना ही तो समय हुआ है और अभी से कुछ और होने लग गया। Kota has until now been, देखो अभी अपन ने देखा it has only been plus time, अगला लिखो until now been मतलब अभी तक ऐसी स्थिति रही है, अभी तक ऐसी स्थिति रही है, द बिगेस्ट एजुकेशनल हब इन राजस्थान,
अभी तक ये स्थिति रही है। अब आगे कुछ बदल जाए नहीं कह सकते, पर अभी तक तो यही स्थिति चली आ रही है, अभी तक यही स्थिति चली आ रही है। अब कुछ परिवर्तन दिख रहा है, मतलब टुडे हैज बीन, आज का दिन रहा है, टुडे हैज बीन slightly less hot, today आज का दिन कैसा रहा है, थोड़ी कम गर्मी रही है, मतलब ये all week The cars have remained parked. अगर remained की जगह भी ना था तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता। Have been parked, third form. All week, all day. इनके साथ ये वाला टेंस आता है। Present आ रहा है, have. The monthly sales have been setting records every month since March. कुछ होता आ रहा है, कुछ होता आ रहा है। The monthly sales, अगर अपन दूसरे तरीके से बनाना चाहते तो अपन बनाते, द मंथली सेल्स हैव बीन इंक्रीजिंग, हैव बीन इंक्रीजिंग एवरी मंथ सिंस मार्च, हैव बीन हैज बीन प्लस आईएनजी वर्ब वाला ये, द एजेंसी हैज बीन कलेक्टिंग फंड्स फ्रॉम इट्स कस्टमर्स since 1986 has been doing something, kuch karta aaya hai, has been doing something, ye aapke present tense ke rules hain. ab aap past ke simple past ke rules dekh lo, simple past ka dekh lo, isi mein simple past Events that happened repeatedly in the past. तुम लोगों को याद है वो सेंटेंस, my aunt broke a jug every day last week. तो वो habitual action है past में, रोज ही तोड़ देती थी, रोज ही कहती मेरे हाथ से टूट गया, मेरे हाथ से टूट गया. तो my aunt second form broke, आदत सी बना ली उन्होंने, इसलिए हमने सिंपल सेकंड फॉर्म लगाया कल वाला एक्सरसाइज. सिंपल पास्ट रेफर करता है पास्ट टाइम का, एंड फॉर एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट एट अ डेफिनेट टाइम, एट अ डेफिनेट टाइम. आई मेट हिम यस्टरडे, यस्टरडे डेफिनेट टाइम आ गया. वी वॉच द फिल्म लास्ट वीक, we went to her home last month, second form time. I bought this car last year, they bought a house last month. agla simple past refer kar sakta hai un actions ke liye jo past mein shuru hokar past mein khatam ho gaye, डेफिनेटली खत्म हो गए, पर टाइम नॉट मेंशन. वहां हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम इसको हैबिचुअल सिंपल प्रेजेंट में लेंगे या हम इसको सिंपल पास्ट में डाल देंगे, है ना? इसको सिंपल प्रेजेंट में लेंगे
या हम इसको हैबिटुअल पास्ट में, आपकी एक पेपर में आया था ना वो फ्लड्स के उसमें फैमिली या फ्लड्स के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं बच्चों से, अभी पेपर में ये क्वेश्चन था ना तुम्हारे इंग्लिश के पेपर में ही था शायद, जीके वाले पेपर में जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड दिया था, वो मैं सेंटेंस बोल रही। चलो द ट्रेन वॉज 10 मिनट्स लेट, द ट्रेन वॉज 10 मिनट्स लेट, इस सेंटेंस को देख के पता नहीं चल रहा कि इसमें प्रेजेंट टेंस आएगा या पास्ट टेंस आएगा। द ट्रेन वॉज 10 मिनट्स लेट, हाँ प्रेजेंट टेंस आएगा या ये पास्ट टेंस वाला आएगा, ये एक्शन पास्ट में शुरू होकर पास्ट में खत्म हो गया। आई बॉट दिस ड्रेस इन दिल्ली, आई बॉट दिस ड्रेस इन दिल्ली, ब्लैंक है तो बॉट ही लिखोगे, बॉट ही लिखोगे, आई बाय दिस ड्रेस है आपके हाथ में, ऑलरेडी वो ड्रेस आपने खरीदा है उसको दे दी मैंने। यूज्ड फॉर अ पास्ट हैबिट, ही ऑलवेज, अरे वो जब देखो छाता लेके घूम क्या रहता था, ही ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, क्या हो गया भैया, ही ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला। Always carried an umbrella. आदत थी उसकी, हमेशा छाता लेके घूमा करता था। जब जहाँ तक मुझे याद है वो ऐसा ही किया करता था, कोई ना कोई बैक रेफरेंस आएगा सेंटेंस में, प्रेजेंट या पास्ट बता दें। नहीं आ रहा फिर भी, इसीलिए तो वो रूल ही ऐसा है कि कई जगह ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें टाइम नहीं दिया होता और आपको डिसाइड करना पड़ता है कि ये सिंपल पास्ट को बिलोंग करेगा। उसकी आदत थी कि वो कुछ ना कुछ रेफरेंस तो आएगा, ऐसा बिल्कुल गंजा सा सेंटेंस उठा के मेरे ख्याल से आप ऐसी नहीं देंगे, पर फिर भी दिया है वो फ्लड वाला। द सिंपल पास्ट इज यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप टू, The simple past is used in, actually furniture सारा खाली हो गया ना तो धूल के कारण। Conditional sentences type two, जिनका conditional छूट रहा है morning batch में नहीं होगा, evening में होगा and most probably परसों हो जाएगा। जो नहीं आ सकते video recording में clear करा दूंगी, उसको घर पे देख लेना, trick से ही कराऊंगी, कोई बहुत लंबा नहीं चलेगा, 2 days का conditionals रहेगा, घर पे देख लेना, okay? And हम now we can begin methods, है ना? तो मैं methods धीरे-धीरे आपको कल से matter देना शुरू कर देती हूँ, देख के समझा देती हूँ। जैसे एक method ले लो, फिर अगला ले लेना, फिर तीसरा ले लेना। पहले उसका methods का background ले लो, language teaching है क्या, language क्या है, language teaching क्या है, फिर एक method ले लेती हूँ, ऐसे कर लेना, समझ में आ जाएगा। The simple past is used in conditional sentences type 2 and for the unreal past, अरे तुम ऐसा कर देते तो, तुम ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, इस तरीके के, आप तुम ऐसा करते तो ऐसा हो जाता पर तुमने नहीं किया, पर अभी भी चाहो तो तुम ऐसा कर सकते हो, unreal past कंडीशनल, ये याद रखो, एज इफ एज दो इट इज टाइम, इफ ओनली विश वुड रादर, रादर के बाद हम ये सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं, इसमें केवल एक वुड रादर टेढ़ा है, अभी करा रही हूं देखो। आफ्टर एज इफ ही बिहेव्स, लिसन ध्यान दो, ही बिहेव्स प्रेजेंट टेंस एज इफ
he were a king. He behaves present tense as if he were a king. He behaved as if he were a king. पर क्या he behaves गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है. आज की तारीख में भी उसके नखरे ऐसे हैं मानो वो ऐसा हो. He behaves as if he were. वो भी 100% करेक्ट है. तो प्रेजेंट देखो तो भी तुम as if के बाद was is नहीं करोगे. ये कंडीशनल का रूल है ये. एंड as if वो है ना, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, वो वाले कैटेगरी का वर्ब है. He acts as if he were a king. He acted as if he were a king. Both are correct. He looks, उसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे उसने एक हफ्ते से खाना ही नहीं खाया हो. वो ऐसा दिख रहा था मानो उसने एक हफ्ते से खाना ही ना खाया हो. दोनों He looks as though he had eaten a meal. He looked as though he hadn't eaten a meal. It is time, हमने बोर्ड में बहुत सारे सेंटेंसेस कर लिए. We went home. It is time we did this. It is high time we did this. Time चाहे high time. इसके बाद सेकेंड फॉर्म वर्ब आएगा. If only we knew how to do this. If only we knew how to do this. काश हमें पता होता. जैसे काश हम प्राइम मिनिस्टर होते जो भी था. I wish he was here. नहीं, I wish he were here. अब ये लास्ट सेंटेंस देखो. I would rather, फर्स्ट फॉर्म वर्ब लेगा. Would rather, लिखो कॉपी में. Would rather, फर्स्ट फॉर्म वर्ब लेगा अपने बाद. जैसे I would rather drink coffee. Then, कुछ और क्रिया. परंतु अगर would rather के बाद कोई सब्जेक्ट आ जाए, नाउन प्रोनाउन आ जाए, अगर would rather के बाद कोई नाउन प्रोनाउन आ जाए तो उस नाउन प्रोनाउन के बाद लगने वाले वर्ब को हम पास्ट में लेंगे. I would rather he did it. वो ये करता तो बढ़िया रहता. Would rather he did it. चलो अभी फोन बंद कर दो. अगला हम एक्सरसाइज टेंसेस का रिकॉर्डिंग